बेटा ये ट्रेडिंग व्रेडिंग मत किया कर, सब जुआ है, मेरे सारे पैसे डुबा दी गई। अरे पापा कुछ जुआ हुआ नहीं है, यहाँ लॉस हुआ तो मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें चिपका दूंगा अपना कोर्स। तुम लोगे ना मेरा कोर्स? मैं भी आपका ही भाई हूँ, मैं भी आपकी तरह प्राइवेट जॉब करता था, मेरा भी सपना था कि एक अच्छी जॉब लगे। तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरे को तो बहुत यकीन है, ऐसे लोगों पर जिनकी एक माँ होती है, एक बाप होता है, गरीब परिवार से होते हैं, करने के लिए कुछ नहीं होता, फिर अचानक से चमत्कार। ओह सॉरी, हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। ट्रेडिंग शब्द की सबसे ज्यादा लंका इन यूट्यूबर्स ने लगाई है। हलवा बनाना भी मुश्किल है लेकिन पैसे कमाना नहीं, जैसे टाइम आता जा रहा है वैसे पैसे कमाना आसान होता जा रहा है। तुम खुश मत हो, हमें फिर भी मेहनत ही करनी पड़ेगी। सही बोल रहा है, ये लोग हमसे अलग है। तू शेयर मार्केट सीखेगा तो क्यों? पैसे कमाने के लिए। हाँ वो तू करेगा क्योंकि तू चूतिया है, पता ही नहीं यहाँ से और क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सुनील भैया से पूछ। शेयर मार्केट सीखना स्टार्ट करी और आज देखो मैंने अपनी ऐप लॉन्च कर रखी है ट्रेड विद सुनील की। ऑफलाइन स्टूडेंट 800 प्लस है, टेलीग्राम पर फैमिली है 126, इंस्टाग्राम पर है 344K, यूट्यूब पर है 12.7K। भैया जी हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग सीखते हैं ताकि यहाँ से पैसे कमा पाए, ये कौन से नशे हैं साला। सोशल मीडिया पर फेम इकट्ठा कर लो, दुनिया जमाने को सिखा दो, सारे काम हो रहे हैं बस पैसे ही नहीं बन रहा। भैया जी आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारी दुनिया में शेयर मार्केट सीख के पैसे कमाए जाते हैं, फॉलोअर्स नहीं। हेलो नासा, एलियन मिल गए। आज हम आपको ना एडवांस सिखाएंगे। अरे यार अब एडवांस सीखना पड़ेगा, साला नॉर्मल से बन नहीं रहा। पहली 5 मिनट की कैंडल जो होगी उसका हाई और लो आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये लाइन खींचने के बाद ये जिस तरफ भी जाए आपको इसको कुछ नहीं करना है, जाने देना है। साली एडवांस स्ट्रेटेजी है ना, तो चौधरी का तड़का तो हो गई। आपने कोई ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। एक लेवल पे जाके ये साइडवे हो जाएगी ऐसे। अब यहाँ पर दो लोग बाग एंट्री के लिए तैयार हो रहे हैं, एक तो वो होंगे जिन्होंने ये ट्रेंड जो गया वो मिस कर दिया, एक वो है तो इसको अभी ये सोचेंगे अभी ये नीचे आएगी तो मैं एंट्री बनाऊंगा। हम उन दोनों में से एक भी नहीं है अभी। पूरा दिन निकल गया, तेरी एंट्री नहीं हुई है, 15,000 रुपए में ये सिखाते हो तुम? कूड़ा इज इक्वल टू कोर्स। मैं ना सहता, मैं तो कमेंट्स में गाली देकर आ जाता। साला कमेंट सेक्शन ही बंद है, लेकिन प्ले स्टोर का रिव्यू सेक्शन कैसे बंद करोगे साहिब? एक स्टार के साथ लोग कितनी गालियां दे रहे हैं आपको, कभी उन्हें भी चेक कर लिया करो। दुनिया की सबसे गंदी चीज देखनी है इसके ऐप का रिव्यू देख लो, गजब बेइज्जती है। ट्रेडिंग की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, एक चार्ट खोल लो तो बन गए तुम ट्रेडर और तुमने प्रॉफिट दिखा दिया। थो भाई अंबानी मेरे लोड़े पे। एक ट्रेडर के पास बड़ी गाड़ी, लग्जरियस लाइफ, बड़े बड़े प्रॉफिट और बहुत सारा ज्ञान, सब कुछ होता है और कमाता वो कोर्स बेच के। मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को 20,000 लोग देख रहे हैं, उनमें से 200 लोग मतलब 1% की भी खोपड़ी में बैठ गई मेरी बात, और वो 200 लोग 5,000 का कोर्स नहीं खरीद रहे। सामने वाले स्कैमर का 10,00,000 का लॉस हो रहा है मेरी वजह से। क्या बात कर रहे हैं, मार्केट इतना ज़्यादा बोर कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना क्वेटेक्स का एक ट्रेड ले लेते हैं। कुछ ट्रेड बना के मैंने यहाँ पे 14,00,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया एंड मुझे 9,00,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। और होटल चेकआउट करने से पहले ही मुझे वहाँ पे अराउंड 27,00,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया था। वन ईयर समथिंग प्रॉफिट बुक हुआ। ये है आम जिंदगी। तो ओवरऑल बोलूंगा तो इस साल मेरा लॉस में है, सिंपल। और भाई मैं बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर तपस लॉस में है। ये है मेंटोस जिंदगी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी ने बहुत बड़ा ट्रेडर समझता था। महंगी कार ले रहे हैं, लाखों करोड़ों में प्रॉफिट कर रहे हैं, हर महीने वर्ल्ड टूर। या तो वक्त इन पर मेहरबान था या ये वक्त से आगे चल रहे थे। पूरे 5 मिनट आगे भैया जी ने 18,00,000 का प्रॉफिट किया था। 1:06 पर उसका स्क्रीनशॉट लिया और 1:01 पर उसको टेलीग्राम में डाला। क्या बोला तूने? 1:06 वाले स्क्रीनशॉट 1:01 पे डाला। भैया जी टाइम मशीन ही बना लिया कतई। और 134.89, एक सेकंड, ये कौन सा टिक प्राइस होता है भाई जो 9 पर एंड होता है? भैया जी ने 134.89 एवरेज प्राइस पर 9,000 क्वांटिटी मिड कैप की बाई की, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 39 चल रहा है, 134 वाला 39 चल रहा है, मतलब 95 रुपए ऑलरेडी माइनस में आ चुका है, लेकिन फिर भी भाई साहब का प्रॉफिट 15,00,000 रुपए चल रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बिना सीखे ट्रेड करने लग जाओ तो जुआ, सीखने चले जाओ तो इनके स्कैम। एक लाइन खींच दो ऐसे, ये लो भाई ये खींच लिया, कुछ भी ना है यार ये। भैया कौन है ये? दूध वाला लग रहा है, चूतिया क्या लग रहा है शकल से? शकल से तो स्कैमर लग रहा है और हरकतों से दिल्ली वाला गुरुजी भी लग रहा है। ऑनलाइन भी सिखाता है, ऑफलाइन भी सिखाता है, बंदे की पीजी भी है। सोचा नहीं तो लोग मार्केट को भी क्रिंज बना देंगे। इससे वेरीफाइड पैनल मांगे जरा। अरे नहीं देगा, पक्का 200% लॉस में बैठा होगा। अरे भाई पीएनएल दिखा दो अपना। भाई पीएनएल ट्रेडर का ना बैंक बैलेंस होता है। क्या भाई सच्चा बहाना नहीं मिला तुझे? अगर मैं आपको बोलूं आप अपना
बैंक बैलेंस दिखा दो, कोई नहीं दिखाता भाई। हाँ भाई, क्योंकि हमें कंधे पे चढ़ के कान में मूतना नहीं पड़ता कि मुझसे सीखो, मेरे प्रॉफिट हो रहे हैं, मैं बापू बैंक निफ्टी का। पीएनएल मांग लो तो पर्सनल चीज हो जाती है, नजर ना लग जाए। अडानी अंबानी का तो पूरे देश को पता है, उन्हें तो नहीं लगती नजर। और ये बात तुम भी जानते हो, लॉस से भरा हुआ पीएनएल दिखा दिया तो नजर नहीं, सीधा लोड़े लगेंगे। तुमने ट्रेडिंग से लोगों को प्रॉफिट बनाते हुए देखा होगा, मैंने फेक प्रॉफिट से लोगों को अमीर बनते हुए देखा है। इफ यू आर नॉट गुड एट डूइंग समथिंग, टीच इट टू अदर्स। ये ट्रेडर बनना नहीं चाहते, बनाना चाहते हैं, और साला आटे के साथ घुन हम पिसते हैं। जरूरी है एचडीएफसी का बैंक इसके एचडीएफसी बैंक का चार्ट इसके साथ देखना? नहीं है ना जरूरी थी? इसने तो अपना ज्ञान पेल दिया, अब कोई दूसरा आके अपना ज्ञान पेलेगा कि कितना जरूरी है दोनों को एक साथ देखना। देखो बिना एचडीएफसी और आईसीआई की तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूं, अगर एचडीएफसी और आईसीआई का मैं चार्ट नहीं देखूंगा तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। बीच में फंसा कौन? न्यू बिगिनर। और अगर आप फिन निफ्टी भी सीखना चाह रहे हो, आप बैंक निफ्टी भी सीखना चाह रहे हो, फिर आप मिड कैप भी सीखना चाह रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब सालों कोई दुबई में बैठ के दिखाएगा उसने कोटेक्स में कितना प्रॉफिट कर लिया, फिन निफ्टी में करोड़ों कमा लिए। इंटरनेट पर किसी का कोर्स लेने के बाद अगर तुम रिफंड के लिए जाओगे, उससे अच्छी सर्विस एसबीआई वाले दे देंगे। एक बार को एसबीआई का लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा, लेकिन इन गुरुज की रिफंड पॉलिसी नहीं। तुम सारे गुरुज को मेरा एक मशवरा, ये जो कर रहे हो इससे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, कम से कम इज्जत तो मिलेगी। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। 8:30 के आसपास कुछ मैं निकलता हूँ, एक दो पैसेंजर मारने के बाद मैं ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ जाता हूँ मेरे ऑटो में। ट्रेडर्स का अंकित बयानपुरिया। भाई गेट सेट पे लो इसको। वैसे मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। अबे यार, अब इसने मिडिल क्लास का बता दिया, अब मेरी आंखें मूतना शुरू कर देंगी। मैं भी जानता हूँ भाई, आपका जन्म बचपन में हुआ था और आपकी माँ लेडीज थी। MBA चाय वाला, रक्षे वाला ट्रेडर, BTech पानीपुरी वाली, ऊपर वाले और क्या बचा है वो भी दिखाई दे। इसके तो खैर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इंटरव्यू ले रहे हैं, और हेडलाइन देखो आज तक की, आज तक वालों कॉल टिप्स देना शेयर मार्केट में इल्लीगल है। क्या दिन आ गए, न्यूज वालों को भी हमें ही बताना पड़ रहा है। भाई यहाँ तो हम हेलीकॉप्टर में बैठ के ट्रेड करने वालों पे भी भरोसा नहीं करते, तुम तो कर भी ऑटो में रहे हो। मेरे को ऐसा क्यों लगता है ये रक्षा चला के ट्रेडर नहीं बना, ट्रेडिंग करके रक्षा चलाने लगा। हेलो गाइस, आज मेरी दिन की शुरुआत होती है मेरे ऑटो पोस्टने से। ऑटो पोस्टने के बाद मैं मेरे यहाँ पे ग्रो का अकाउंट चेक करता हूँ जो पूरी तरीके से जीरो हो गया था। हैं? अकाउंट जीरो है? जब इंटरनेट पर इतनी बकचोदी तो जिसके पास कुछ हो लोग उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, समझ आता है। जिसका अकाउंट ही जीरो है लोग उससे भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जब सोशल मीडिया आया था तो लोग बड़े घर, बड़ी कार, अमीरी दिखाते थे, अब गरीबी दिखा रहे हैं। पहले लोग अमीरों से चूतिया बनते थे, अब गरीबों से चूतिया बन रहे हैं। अबे यार क्या क्या देखना रह गया अभी, कोई ना अमेज़न के जंगल में छोड़ गाओ। सबके सब चोर है साले। मेरे एक दोस्त ने कहा था मुझे, जिसने मुझे सिखाया, उसने मुझे कहा है कि विशाल अगर आप पूरी तरह से सीख गए ना मार्केट को, 90% भी अगर आप सीख गए ना, तो आपको एक ही ट्रेड पूरा लॉस रिकवर करके दे सकती है। भाई सबके दोस्त यही बोलते हैं, हमारे वाले तो जब बोलते थे अडानी अंबानी कुछ नहीं लगते थे उनकी बातों से। MLM वालों के मेंटोर और ट्रेडर के दोस्त साले ऐसे नमूनों को तो सिखा देते हैं, खुद पता नहीं किस कोने में रहते हैं। 700 से 800 रुपए का लॉस दिख गया भाई, बस हमें वहाँ पे क्लोज करना है, उसके बाद ट्रेड ही नहीं करना, ओवर ट्रेड करना ही नहीं है। सही है भाई, फिर तो कम से कम 1500-1600 रुपए का तो प्रॉफिट बुक करते ही होंगे। 1000 से 1200 रुपए का, उससे ज्यादा की मतलब मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। 700 का स्टॉप लॉस, 1000 रुपए का टारगेट, ये कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड है भाई? असली ट्रेडर लाओ धन वालो, इंडियन आइडल मत बनाओ ट्रेडिंग को। और भाई साहब मेरी सलाह मानो तो 1:2 से कभी नीचे काम मत करो। लॉस होता है अपने पैसे तो जाती है, साथ में चार्जेस प्लस ब्रोकरेज अलग। और जब प्रॉफिट होता है अपने पैसे तो आती है लेकिन फिर भी ब्रोकरेज प्लस चार्जेस अलग। इतना प्रॉफिट तो लो जिसमें पिछला लॉस भी आ जाए, ब्रोकरेज भी चला जाए, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिट में हो। तुझे बड़ा ज्ञानी बनना, चल अपना पैनल दिखाइयो। मेरी जान, अब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ है और अब सेकंड चैनल खोलने की सोच रहा हूँ मैं। अगर ट्रेडिंग सिखाऊंगा पहले पीएनएल दिखाऊंगा, बाद में ज्ञानबाजी। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे पीएनएल के साथ लर्निंग देनी चाहिए कि नहीं। कुछ नहीं करना आपको, बस कमेंट्स में यस और नो टाइप करना है। और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ना करके अपनी औकात ना दिखाएं, धन्यवाद। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो।